नमस्कार, आज की वीडियो में उन बच्चों को मद्देनजर रखते हुए बना रही हूँ जिनके स्कूल बंद हो गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस ही जारी हैं। इस कोरोना महामारी के चलते चाहे स्कूल हो, कोचिंग हो या फिर कोई भी एक्टिविटी क्लास हो, सारी क्लासेस बच्चे लैपटॉप पर ऑनलाइन ही अटेंड कर रहे हैं। इसके कारण हमारे बच्चों का ज्यादा से ज्यादा समय लैपटॉप पर या फिर स्मार्टफोन के सामने ही बीत जाता है। हम चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकते हैं। इसका नतीजा हमारे शरीर में बनने वाला मेलाटोनिन नामक रसायनिक कम होता जा रहा है और इसके वजह से बच्चों को कम नींद का सामना करना पड़ रहा है। इसके वजह से हमारे बच्चों में आंखों में दर्द, सूखापन, सर में दर्द इवन गर्दन में दर्द का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए ऑनलाइन क्लासेस के चलते किस तरह से हम अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, जानिए कुछ टिप्स। आज की टिप न केवल बच्चों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जिसका ज्यादा से ज्यादा समय स्क्रीन के सामने बीतता है। जब हम अपने स्मार्टफोन के सामने बैठते हैं तो हमें समय का अंदाजा ही नहीं रहता। हम घंटों उसके सामने बैठते हैं और इस दौरान हम हैं या हमारे बच्चे आंखें झपकाना ही भूल जाते हैं। तो हमें चाहिए अपने बच्चों को हर 20 मिनट के बाद बोलें कि स्क्रीन से आंखें हटाकर 20 फीट की दूरी पर देखें और अपनी आंखों को झपकाएं, ब्लिंक करें जल्दी जल्दी। हमें अपने बच्चों के फोन की ब्राइटनेस भी सेट करके देनी चाहिए। वो ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत कम। अगर ज्यादा या कम होगी तो हमारे बच्चों की आंखों पर स्ट्रेस आएगा। उनके टेक्स्ट का साइज भी सही होना चाहिए, ना छोटा ना ही बड़ा। और हमारे बच्चे जब भी फोन यूज करते हैं तो वो बहुत ही नजदीक ले आते हैं। जब भी उन्हें ऐसा करते हुए देखें तो उन्हें जरूर टोकें, उन्हें बताएं कि ज्यादा दूर से भी फोन यूज नहीं करना है और ना ही अधिक पास से, इससे आपकी आंखों पर स्ट्रेस आएगा। अगर आपके बच्चों को इन बातों का ध्यान रखते हुए भी स्ट्रेस आता है तो अपने बच्चों को बोलिए हर क्लास के बाद अपने ही कमरे में इधर उधर टहलें और अपने हाथों को खींचें। हर क्लास के बाद एक ग्लास पानी अवश्य पिएं और खिड़की के पास जाएं, खिड़की को खोलें, जितना दूर हो सकता है अपनी आंखों की नजर को उतनी दूर तक दौड़ाएं और अपनी आंखों को ब्लिंक करें। अपने बच्चों को सुबह उठकर आई कप से आईज वॉश करने के लिए बोलिए। अगर आई कप है तो ठीक है, अन्यथा आप उन्हें कोई कटोरी दीजिए और उसमें साफ पानी डालकर दीजिए और बोलिए इसमें एक मिनट तक अपनी आंखों को ब्लिंक करें। ध्यान रहे अगर आप उन्हें कोई कटोरी दे रहे हैं तो उनके किनारे तेज ना हो। आइस कप से अपने बच्चों की आंखें साफ करवाने के साथ साथ सुबह उठकर उनसे कुछ एक्सरसाइजेस भी करवाई जा सकती हैं। अगर बच्चे नियमित रूप से इन एक्सरसाइजेस को करेंगे तो वे पाएंगे कि उनकी आंखों का स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो गया है और उनकी आंखों में अब जलन नहीं होती है। आज का महत्वपूर्ण और लास्ट टिप, पेरेंट्स को चाहिए कि वे अपने बच्चों के पोस्चर पर ध्यान दें। बच्चे अक्सर मोबाइल यूज करते करते इतना झुक जाते हैं कि वे अपने पोस्चर पर ध्यान ही नहीं देते। उनकी रीढ़ और गर्दन पूरी तरह से झुक जाती है और अक्सर बच्चों को गर्दन में दर्द रहने लग जाता है। बच्चों को बोलिए कि वे अपने स्टडी टेबल पर ही पढ़ें। अगर वे अपने बैग से नहीं उठना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ इस तरह की टेबल का अरेंज कीजिए ताकि ये अपनी रीढ़ और गर्दन को सीधा रखकर पढ़ सके। इन ऑनलाइन क्लासेस के चलते अपने बच्चों का ख्याल रखिए। आप भी स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। आपकी रेखा आज आपसे विदा लेती है और जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आएगी। धन्यवाद।